टेक केयर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माइक्रोवेव में पिज्जा कैसे बनता है। पिज्जा बनाने के लिए पहले आपको कन्वेक्शन पे जाना पड़ेगा। कन्वेक्शन पे आपको 200 डिग्री पे जाना है और इसको सीधा ही स्टार्ट कर देना है, तो ये प्री हीट पे चले जाएगा। प्री हीट जब उन्हें हो जाएगा तो ये बीप देना स्टार्ट कर देगा। अगर आपने आपके माइक्रोवेव में ये ऑप्शन नहीं आ रही है तो आप इसको कन्वेक्शन पे जाना है, 200 डिग्री सेट करके आपने सीधे 5 मिनट के लिए आप चला लो, खाली चलाना है। इससे भी आपका माइक्रोवेव प्री हीट हो जाएगा। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो ये आपको बीप देना स्टार्ट कर देगा। से आपको बीप की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब इसको बंद कर देना आपने। अब ये हमारे पास बेस है, तो हमने क्या करना है, बेस को उल्टा रख के इसको आपने कन्वेक्शन पे बेक कर लेना है। ये ब्राउन हो जाएगा। ये इसलिए करना है कि क्योंकि हम जैसे बाहर से खाते हैं ना पिज़्ज़ा, तो उनके आपके माइक्रोवेव में या जिसमें भी पिज़्ज़ा बनाते हैं तो डबल ग्रिल होती है, ऊपर से भी बेक होता है नीचे से भी। तो हमारे जो माइक्रोवेव है, जो घर में जो यूज़ होते हैं, उसमें एक ही ग्रिल होती है। तो इसको हमने पहले उल्टा रख के ब्राउन कर लेना है। ये रख दिया। अभी कन्वेक्शन पे जाना है दोबारा से, 200 डिग्री पे गए और इसको 3 मिनट का टाइम दे देना है और स्टार्ट कर देना है। इसको पहले उल्टा करके ब्राउन कर लेना है। अभी हमारे 15 सेकंड रह गए हैं, ये अभी चेक करेंगे। सीधा कर लेते हैं और इसमें टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग के लिए पहले हमने पिज्जा पास्ता सॉस है वो लगानी है जी। डालेंगे जी टोमेटो, कैप्सिकम, स्वीट कॉर्न डाल देंगे और आप बाकी अपने हिसाब से जो भी आप टॉपिंग डालना चाहते हो वो डाल सकते हो इसमें। अभी आपने दोबारा से 200 डिग्री पे जाना है और इसको आपने 8 मिनट का टाइम दे देना है यहाँ से
उसका ऐड कर देंगे। अभी 8 मिनट के अंदर अंदर आपका पिज्जा बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप कुछ खोल के इसमें देख भी सकते हैं, कभी भी खोल के देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से स्टार्ट करोगे तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। तो अभी हम इसको जब तैयार होता है तो दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। अभी 50 सेकेंड ही रह गए हैं बस, इसको हम चेक करते हैं। अभी बन गया पिज़्ज़ा, ये भाई सभी तरह किया बन ही गया है ना। हाँ जी बन ही गया है। इसको निकालते हैं बाहर, गर्म होता है एकदम ध्यान से। ये देखिए हमारा पिज्जा तैयार हो गया। अभी इस पर आप ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स डालिए और मज़े से खाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।